यूं तो हमारी धरती पर कई अद्भुत और रहस्यमय गड्ढे हैं, जो वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल रखा है। और ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्यमय व खतरनाक गड्ढों के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ग्रेट ब्लू होल। माना जाता है कि ग्रेट ब्लू होल का निर्माण करीब 1.5 लाख साल पहले से लेकर 15,000 साल पहले तक कुल 4 चरणों में हुआ था। उस समय यहाँ समुद्र का स्तर काफी कम था, जिस वजह से यह गुफा समुद्र के ऊपर दिखाई देती है। बाद में जब समुद्र का स्तर बढ़ा तो यह गुफा पूरी तरह से पानी में डूब गई। इस गुफा की विशेष बात यह है कि यह गुफा चूने से बनी है और इसके भीतर कई तरह के मछलियाँ और अन्य समुद्री जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दुनिया भर के गोताखोर यहाँ पानी के नीचे टीलों और स्टैलेक्टाइट फॉर्मेशन को देखने के लिए आते हैं और इसके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट ब्लू होल के अंदर कई गुफाएं हैं। ग्रेट ब्लू होल को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने का श्रेय फ्रांस के वैज्ञानिक जैक्स कास्ट्यूज को जाता है। उन्होंने ही इस रहस्य का खुलासा करते हुए इस जगह को दुनिया के शीर्ष 5 स्कूबा डाइविंग जगहों में से एक घोषित किया था। साल 1971 में वो अपना जहाज लेकर इस समुद्री गुफा की गहराई नापने आए थे और साल 2012 में डिस्कवरी चैनल ने पृथ्वी की 10 सबसे अद्भुत जगहों में से ग्रेट ब्लू होल को पहले स्थान पर रखा था। नंबर 2, डोर द हेल, नरक का द्वार। अक्सर आपने सुना होगा कि आम बोलचाल में लोग एक दूसरे पर टोंट कसते हुए कह देते हैं, नरक में जाओगे या तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जिसे हकीकत में नरक का द्वार कहा जाता है। जी हाँ, कभी सोवियत रूस के अधीन रहे तुर्किस्तान के दरवेजा गांव में रेगिस्तान के बीचों बीच ज्वालामुखी नुमा एक गड्ढा है जिसमें हर वक्त आग लगी रहती है। पिछले करीब 50 वर्षों से इस गड्ढे में आग की ऊंची लपटें उठती रहती हैं और पर्यटकों के लिए दरवेजा की यह जगह आज की तारीख में तुर्किस्तान की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। तुर्किस्तान में स्थित इस नर्क के द्वार के पैदा होने की कहानी बड़ी रोचक है। दरअसल यह कोई प्राकृतिक ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान हुई दुर्घटना के कारण इस गड्ढे में आग लगी और यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। यह बात सन 1971 की है, जब सोवियत रूस में कुछ भूगर्भ वैज्छानिक तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे थे। रेगिस्तान के बीचों बीच भूगर्भ वैज्ञानिकों को कुछ संकेत मिला तो वहाँ खुदाई शुरू कर दी गई। खुदाई के इस स्थान पर प्राकृतिक गैस के होने का पता चला, लेकिन खुदाई के दौरान अचानक हुई एक दुर्घटना के कारण इस काम में लगे सभी उपकरण गड्ढे में गिर गए और वहाँ से गैस बाहर आने लगी। गड्ढे से निकल रही जहरीली गैस की गुबार देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न आग लगाकर इस गड्ढे को भर दिया जाए। वैज्ञानिकों को आग लगाकर गड्ढे को भरने के तरीके पर सबकी सहमति बनी, लेकिन उस वक्त तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आग लगाने के बाद क्या होगा। इसीलिए फौरन ही जमीन के अंदर निकल रही जहरीली गैस में आग लगा दी गई। लेकिन एक बार जो आग लगी तो फिर इसे लाख कोशिशों के बाद बुझाया न जा सका। तब से इस गड्ढे में यह आग जल रही है। अब तो इसे दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं। वर्ष 2004 में तुर्किस्तान के प्रधानमंत्री ने दरवेजा गांव के बाशिंदों को यहां से हटाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए आदेश दे दिया। नंबर 3, रूस में एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा बोर होल है। बोर होल नाम के इस होल को 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने खोदना शुरू किया था, लेकिन अमेरिकी वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए वे ज्यादा से ज्यादा गहरा खोदना चाहते थे। लगातार 19 साल की खुदाई के बाद 12.24 किलोमीटर गहराई तक पहुंच चुके थे। ये इतनी गहराई है जिसमें 240 फीट के 167 कुतुब मीनार समा जाएंगे। इस गहराई पर जाकर साइंटिस्टों को खुदाई रोकनी पड़ी। इस खुदाई के लिए उरल मास नामक भीमकाय ड्रिलिंग मशीन बनाई गई थी, जो कि किसी भी परिस्थिति में खुदाई करने के लिए सक्षम थी। मल्टीलेयर ड्रिलिंग सिस्टम वाली इस मशीन की टारगेट डेप्थ 15,000 मीटर थी। सालों की कड़ी मेहनत के बाद जब रूसी वैज्ञानिक 262 मीटर की गहराई पर पहुंचे, तब मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त जमीन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा मापा गया। इतना ही नहीं, तापमान तेजी से बढ़ने भी लगा था। इसे देख तत्काल काम रोक दिया गया और तभी वैज्ञानिकों ने इस होल का नाम डोर द हेल, नर्क का दरवाजा रख दिया था। जमीन में 12 किलोमीटर खुदाई
खुदाई करना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सतह से लेकर धरती के कोर तक जितनी गहराई है ये उसका 0.2% भी नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती का तल 6371 किलोमीटर नीचे है, जहां पहुंचने का सोचा भी नहीं जा सकता। नंबर 4, डीन ब्लू होल। अगर हम आपसे ये कहें कि एक ऐसा भी डीन ब्लू होल है जिसके अंदर जाने से आपको दुनिया का आखिरी छोर दिखाई देगा तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा ही कुछ क्लेरेंस शहर के पास मौजूदा द्वीप में देखने को मिला है, जहां डीन ब्लू का होल 663 फुट गहरा है, जो कि उसके गहरे नीले रंग से जाना जाता है, और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गहरा पानी का कक्ष माना जाता है। आमतौर पर ब्लू होल की गहराई 360 फीट तक होती है, और सबसे खास बात यह है कि इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ का नजारा हैरान करने वाला है। यह एक फिरोजा लैगून और पाउडर व्हाइट के बीच है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक चट्टान द्वारा यह ब्लू होल कवर हो रखी है। लेकिन जिनको तैरना नहीं आता उनको ऐसे खूबसूरत नजारे को देखने की इजाजत नहीं है। 15 से 30 फीट से नीचे जाते समय धीरे धीरे कर दिखना थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नजारा उस वक्त का होता है जब उसको देखकर ऐसा लगता है मानो आप दुनिया के आखिरी छोर पर आ गए हैं। नंबर 4, चांद बावड़ी। बता दें कि राजस्थान में जयपुर से 95 किलोमीटर दूरी पर स्थित दौसा के अभानेरी में विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी स्थित है, जिसका नाम चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा चांद ने किया था। दौसा के अभानेरी कस्बा स्थित चांद बावड़ी के लिए ऐसा माना जाता है यह बावड़ी एक रात में बनकर तैयार हुई थी। यह धरोहर दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी बावड़ियों में शुमार है। बावड़ी में 250 एक समान सीढ़ियों की भूल भुलैया है। बावड़ी की सबसे निचली मंजिल पर दो तख्तों में स्थित गणेश एवं महिषासुर मर्दिनी की भव्य प्रतिमाएं इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। इस बावड़ी में एक गुफा भी है जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर बताई जाती है, और इस बावड़ी पर कई अंग्रेजी और हिंदी फिल्मों की शूटिंग यहां हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।